हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंद्रानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल NK ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट एक मैथमेटिशियन का नाम है जिनके नाम पर इसे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कहा जाता है। रेशियो बिकॉज यहां पर आप किसी दी हुई सीरीज जिसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आपको चेक करना है, उस सीरीज के दो कॉन्जिगेटिव टर्म्स का रेशियो आप लेंगे। सिग्मा यू एन एक सीरीज है जिसका कन्वर्जेंस आपको चेक करना है, तो आप उसके दो कॉन्जिगेटिव टर्म्स यू एन प्लस वन और यू एन, उन दोनों का रेशियो लेंगे। लेट सिग्मा यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज सच दैट लेट सिग्मा यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इक्वल टू एल, देन इफ एल लेस देन वन देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। If L is greater than 1, then series is divergent. If L equal to 1, then ratio test fails. अगर L की वैल्यू 1 आ गई तो आपका जो ये D'Alembert's रेशियो टेस्ट है ये फेल हो जाएगा और फिर हमें इसका अगला टेस्ट अप्लाई करके चेक करना होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको D'Alembert's रेशियो टेस्ट लगाना कब है। अभी अभी हमने बात की थी कंपैरिजन टेस्ट की, तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या करना था, आपको कोई सिग्मा यू एन करके सीरीज दी हुई है, आपको उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो उसके लिए आपको एक नई सीरीज सिग्मा वी एन अपनी तरफ से एज्यूम करनी होती है और इस तरीके से एज्यूम करनी होती है जिसका कन्वर्जेंस आपको ऑलरेडी पता होता है या पता लगाना आसान होता है पी सीरीज की मदद से। बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल, कभी कभी सिग्मा वी एन या जो ऑक्सिलरी सीरीज है सहायक श्रेणी उसका अंदाजा लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन में D'Alembert's रेशियो टेस्ट हेल्प करता है। सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, किसी सीरीज की कन्वर्जेंस आपको चेक करने के लिए कही गई है, सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या उसमें कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है, क्या दी हुई सीरीज के लिए ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन निकालना पॉसिबल है। अगर है तो रेशियो टेस्ट अप्लाई कीजिए और अगर नहीं है तो फिर आप D'Alembert टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट टेस्ट टू स्टार्ट फॉर कन्वर्जेंस। अगर ये टेस्ट आपका सक्सेसफुली हो जाता है, यानी कि L की वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 आ गई, तो आपने सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कह दिया। लेकिन अगर L की वैल्यू 1 आ गई तो टेस्ट फेल होगा और उसके बाद फिर हमें सेकेंड टेस्ट की ओर जाना होगा। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो हियर इज एन एग्जांपल, आई हैव टेकन द nth टर्म। मैंने यहां पर यू एन लिखा है, सिग्मा यू एन नहीं लिखा। इन दोनों में केवल इतना सा डिफरेंस होता है कि यू एन सीरीज के nवें पद को nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सिग्मा यू एन कंप्लीट सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। सो यू एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू 3n अपॉन एन टू द पावर एन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है जो आपको ये इंडिकेट करती है कि यहां D'Alembert टेस्ट लगाया जा सकता है। कौन सी? n टू द पावर n। जनरली जिन सीरीज में n टू द पावर n टाइप के टर्म्स होते हैं वहां पर D'Alembert टेस्ट बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने यहां पर यू एन प्लस वन निकाला जो कि हमें मिल गया n प्लस वन फैक्टोरियल 3n प्लस वन अपॉन n प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन। नाउ यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू n प्लस वन फैक्टोरियल 3 n प्लस वन अपॉन n प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय
n फैक्टोरियल इंटू 3 पावर n अपॉन n पावर n. इसे आपने सिंप्लीफाई किया, n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल 3 पावर n प्लस 1, और यहां पर है 3 पावर n, कैंसिल हुआ, ऊपर 3 बच गया. दिस इज n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n पावर n, या ऐसे मैं ऊपर लिख देता हूं और मुझे मिल जाएगा n पावर n. n प्लस 1 की पावर यहां n प्लस 1 है और ऊपर ये एक बार है, इनको कैंसिल कर देंगे, साथ में यहां एक फैक्टोरियल n भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए. हमारे पास रह गया 3 इंटू n पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 टू द पावर n. ओके, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 नीचे से अगर मैंने इन दोनों में से n कॉमन ले लिया तो उस n पे ये पावर n लग जाएगी, n पावर n, और नीचे से भी n पावर n कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n. जब आप यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन, तो आपको मिल जाएगा थ्री अपॉन ई. आप जानते हैं ई इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 होती है, तो जब 3 को 2.7 से आप डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आपको मिल जाएगा, ग्रेटर देन 1. अब हम यहां आते हैं, इफ एल इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट. तो इसका मतलब इस टेस्ट से हमारी सीरीज कैसी आ रही है, दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट बाय डालेम्बर्स रेशियो टेस्ट. क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो रेशियो आ रहा है ये 1 से बड़ा आ रहा है. कई बार इस टेस्ट को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है. अगर आपने यहां पर रेशियो में ऊपर यू एन प्लस 1 लिया और नीचे यू एन लिया, यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इक्वल टू एल, एल लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट. ठीक है, लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट. कभी कभी इस टेस्ट को ऐसे भी स्टेट किया जाता है या लिखा जाता है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1. हमने क्या किया, हमने इन दोनों को उल्टा कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अपोजिट कर दिया और वैल्यू को अभी भी हमने एल लिखा है. तो अब यहां पर क्या हुआ कि रेशियो उल्टा होने से ये जो टेस्ट की कंडीशन है ये भी उल्टी हो गई. एल लेस देन 1, जो पहले एल लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा था, अब उसको डाइवर्जेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको उल्टा कर दिया ना, और एल ग्रेटर देन 1 पर पहले आप उसको डाइवर्जेंट लिख रहे थे, अब कन्वर्जेंट लिखना पड़ेगा. आप दोनों में से किसी भी तरह से टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही है, लास्ट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सेम होगा. जैसे यहां देख लीजिए, अगर हमने इसको उल्टा किया होता तो 3 अपॉन ई के बजाय हमें क्या मिलता, हमें मिलता ई अपॉन 3. ई क्या है, 2.7 अपॉन 3 करेंगे लगभग 0.9 आएगा, लेस देन 1, और लेस देन 1 में आप इस केस में क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट. अभी क्या कह रहे हैं, डाइवर्जेंट. इसका मतलब बात एक ही है, टेस्ट को दोनों में से किसी भी तरीके से स्टेट किया जा सकता है या फिर किसी भी तरीके से लिखा या कहा जा सकता है. अगला एग्जाम्पल है, सिग्मा रूट एन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर एन, एक्स इज पॉजिटिव, दी गई सीरीज है ये यू एन या सिग्मा यू एन, हमें इसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है. सो हेयर यू एन प्लस 1, यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू सिग्मा रूट एन प्लस 1 अपॉन रूट एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर एन प्लस 1, देयरफॉर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1. ध्यान रहे, यू एन ऊपर रख रहे हैं हम और नीचे यू एन प्लस 1 ले रहे हैं, तो जो सेकंड केस मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इसकी कन्वर्जेंस हम टेस्ट करेंगे. रूट एन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1,
डिवाइडेड बाय रूट एन प्लस वन अपॉन रूट एन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन, यहां आ जाएगा एक्स पावर एन और नीचे आ जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन। रूट एन अपॉन रूट एन प्लस वन, इनको साथ में ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी ये डिनोमिनेटर है, इसको और ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इंटू वन अपॉन एक्स। ये हमारे पास रह गया, लिमिट लगा देंगे, देयरफोर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एन कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर और नीचे से एन कॉमन लेके कैंसिल किया और इसको मैंने इस तरीके से लिखा वन प्लस वन अपॉन एन। सिमिलरली यहां से मैंने एन स्क्वायर कॉमन लिया, एन स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर कैंसिल हो गए दोनों, और यहां बचा रूट ऑफ वन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स। जब आप यहां पर एन को इन्फाइनाइट पुट करेंगे, वन बाय इन्फाइनाइट जीरो, वन इधर बचा और यहां रह गया वन प्लस टू बाय इन्फिनिटी जीरो, टू बाय इन्फिनिटी जीरो, नीचे भी वन प्लस वन बाय इन्फिनिटी, यानी कि फाइनली वन बच गया। तो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास फाइनली जो जाके बचती है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स। नाउ इफ वन अपॉन एक्स इज लेस देन वन, जैसा कि आपको द लैम्बर्ट टेस्ट के सेकंड जो स्टेटमेंट था उससे मैंने बताया, ये आपके पास एक तरीके से एल आ गई, अगर एल की वैल्यू वन से छोटी है तो डाइवर्जेंट, यानी कि वन अपॉन एक्स लेस देन वन है, मीन्स वन इज लेस देन एक्स, वन लेस देन एक्स, सो एक्स ग्रेटर देन वन, इस केस में हो गई डाइवर्जेंट। और अगर वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन यानी कि एक्स लेस देन वन तो ये हो गई कन्वर्जेंट, और अगर वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन यानी कि एक्स इक्वल टू वन तो टेस्ट फेल्स। कौन सा टेस्ट फेल हो गया? द लैम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया। अब हम कोई दूसरा टेस्ट सोचेंगे, एक बार हम लेके देखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू वन, अगर x इक्वल टू वन को मैं दी हुई सीरीज में रख लेता हूं तो मुझे यू एन मिल गया रूट एन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस वन। अब अगर मैंने यहां पर वी एन वन अपॉन रूट एन अज्यूम किया, वन अपॉन रूट एन यानी कि एन पावर हाफ, ठीक है, तो क्या होता है उससे, देन यू एन अपॉन वी एन। अब यू एन अपॉन वी एन निकालते हैं, डिवाइडेड बाय वन अपॉन रूट एन, तो वो रूट एन इधर आ जाएगा ऊपर, और कुल मिलाकर के आपके पास ऊपर एन आ गया। अब अगर यहां से आपने एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वो रूट से बाहर आकर एन बनेगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन रूट वन प्लस वन बाय एन स्क्वायर। जब आप यहां पर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे, अभी तो इसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन जब मैं इस पर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लगाऊंगा तो उस केस में मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन अपॉन इंफिनिटी यानी कि जीरो, तो फाइनली मेरे पास आ गया वन, यानी कि ये एक नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। तो इसलिए कंपैरिजन टेस्ट से यू एन एंड वी एन साथ साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन एंड सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज साइमल्टेनियसली। नाउ कैन वी फाइंड द नेचर ऑफ सिग्मा वी एन, आप देखो आपने वी एन क्या अज्यूम किया है, वन अपॉन रूट एन, हेयर
सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन पावर हाफ, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है हाफ, पी की वैल्यू हाफ है। तो हम बहुत इजीली इसकी कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं और सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो वी एन की नेचर है वही यू एन की नेचर है।